मॉर्निंग, सुप्रभात आपको मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों, बीच में मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और तो दोस्तों, मेरा फ़ोन पटक गया था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी मैं। नेटवर्क वाला जो सिस्टम था पूरा डैमेज हो गया था, मेरा फ़ोन पूरा ख़राब हो गया। मतलब पूरा ख़राब नहीं हुआ है, मतलब नेटवर्क हुआ, बस एक नेटवर्क नहीं आ रहा और पूरा ठीक है। तो दोस्तों, फिर मैंने कल फ़ोन लिया, तो अब जाके मेरे ब्लॉग डेली आएंगे, ठीक है। तो आज जा रही हूँ अपनी दीदी की वहाँ। तो आज हमारी छोटी सी भौका बर्थडे है, मतलब मेरी दीदी की लड़की का बर्थडे है, तो हम जा रहे हैं मैं और मेरा भाई। तो दोस्तों, आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, हमारे वहाँ इतने बड़े गेहूँ हो गए, पूरा हरा भरा, कितना अच्छा दिख रहा है ना। आप पहुँच गई दीदी के वहाँ, आ रही हमारी वैदू बर्थडे गर्ल, वैदू। तो दोस्तों, यहाँ पे बना रही रात का खाना। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा है, यहाँ से हिमालय भी दिखता है ना, दिखता है। फिर मेरा छोटा सा दोस्त है, ये मेरे साथ रहता है यहाँ पे, है ना हदी। तो दोस्तों, होगी बर्थडे की तैयारी, अब जाते हैं नीचे को, आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, ये रहा वैदी का केक। तो वैद्य ने काट लिया केक। वैद्य को ये दिया था बर्थडे गिफ्ट, ये। आप लोग खाने लग गए खाना। अब हम लोग खाएंगे खाना, तो आप लोगों को दिखाती हूँ खाना कैसा बने। और खाना कैसा बने, खाना कैसा बने, अच्छा बने। उसके बाद खाएंगे। ताई जी का भी बर्थडे है, इनका बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेशन किया था हमने। ताई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू आपको। हैप्पी बर्थडे चाची। तो दोस्तों, गाने की आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, ये हमारी बर्थडे गर्ल, ये कौन है वो, देख तो मतलब। तो दोस्तों, मुझे बहुत ठंडा हो गया था, मैं आग के सामने बैठ गई थी, तो तब थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा।